मुरादाबाद में सरकारी राशन की दुकानों में धांधली का मामला सामने आया है। यहां पर गरीबों को बटने वाले अनाज की बोरियों में मिट्टी मिल रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूं तो सरकार सबको राशन देने की बात करती है, सबके भरण पोषण का दावा करती है, इसके लिए सरकार ने सरकारी राशन की दुकानें भी खोल रखी हैं। लेकिन इन केंद्रों पर राशन की बोरे तो पहुंच रहे हैं और बोरों में अनाज तो है, लेकिन सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ होता है इन बोरों में। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुरादाबाद से, जहां की बिलारी तहसील के ग्राम सनाई रोजा के राशन डीलर सुमित चौधरी की दुकान में वितरण के लिए गेहूं की बोरी खोली गई तो काफी मात्रा में मिट्टी निकली। इसके बाद जब दूसरी बोरी खोली गई तो उसमें भी मिट्टी निकली और यह सिलसिला सभी 15 बोरियों तक जारी रहा, जिस पर यहां आए लोगों ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया और इसे सरकार के द्वारा धोखा देने की बात भी कहते हुए नजर आए। राशन में मिट्टी निकल रही है, ढेले निकल रहे हैं, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये क्यों हो रहा है इतना अत्याचार काश्तकार के साथ है? या जो भी राशन लेने आ रहा है उसके साथ ये ज्यादती हो रही है, ये क्यों नहीं सरकार इसको देख रही है, क्यों इसके राशन लेने वालों के साथ ये ज्यादती और धोखा किया जा रहा है? राशन डीलर के मुताबिक बोरी में मिट्टी निकलने के कारण ग्राहक इसे लेने को तैयार नहीं होते हैं और उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डीलर जाए तो जाए कहाँ। भैया ये है कि जो कट्टे निकल रहे हैं राशन के, उसमें मिट्टी के ढेले निकल रहे हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम के ढेले निकल रहे हैं सभी कट्टों में, लगभग 30-40 कट्टे तो खुल चुके हैं सभी में, मतलब ढेले नहीं निकले, मिट्टी निकल। हमने ऊपर बोला है लेकिन वो बोल कोई उसमें रेस्पॉन्स नहीं दिया, ऊपर से बताया नहीं कुछ भी, तो दिक्कत आ रही है। राशन लोग लेने आते हैं वो हमसे लड़ते हैं कि मिट्टी निकल रही है, वो हमें बोलते हैं कि तुम मिट्टी डाल रहे हो वगैरह वगैरह, हम तो बोलते हैं लेकिन उनका राशन कहाँ से पूरा करें, तो ऊपर राशन कम मिलता है फिर मिट्टी का वजन कहाँ से राशन पूरा करें उनका। हालांकि मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी इस मामले को गंभीर मान रहे हैं और मिट्टी मिले गेहूं का वितरण न करने की बात भी कह रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं, मेरे सारे इंस्पेक्टर्स को बताया गया है, गोदाम को बताया गया है, दुकानदारों को बताया गया है कि यदि कोई भी खराब क्वालिटी का आता है तो आप लोग उसका कार्डधारकों को वितरित नहीं करेंगे बल्कि उसको वापस कर देंगे बता के, उसके बदले फिर फ्रेश लिया जाएगा। एक तो इस तरह का इंसिडेंट हमेशा आता नहीं है, ये इंसिडेंट आई है तो हमने तत्काल मना कर दिया है। राशन में मिट्टी मिलने के मामले में क्या कोई जांच होगी या ये भी मामला सरकारी महकमों की हिलाहवाली की भेंट चढ़ जाएगा? कौन इस मामले का जिम्मेदार, इसके बारे में कुछ भी कहने को कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकारी राशन की दुकान पर गेहूं में मिट्टी मिला होना एक बहुत बड़ी बात है और गरीबों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी, इस सरकार से सवाल पूछा जाना भी लाजमी है। मुरादाबाद से प्राइम टीवी के लिए अलम वारसी की रिपोर्ट।